तो हम रास्ते से जा रहे थे तो बीच जंगल में ये आग लगी हुई थी पहाड़ों में। और सुनिधि आज पहली बार जाएगी मम्मी के वहाँ। तो ये है डैम जो यहाँ दिख रहा है, ये है मम्मी की कॉलोनी, तो ये क्वार्टर है यहाँ पे। इधर छोले समोसे खाए जा रहे हैं और फोन ना इसे स्टैंड पे लगा देना, एक जैसे ट्राइपॉड टाइप का, तो पांचों के उससे व्लॉग शूट कर देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हम लोग अभी हो रही है शाम और शाम को हम लोग निकल चुके हैं कोटेश्वर के लिए, मम्मी के पास जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। तो आज ये व्लॉग में आपको दिखाई देगा कोटेश्वर में गढ़वाल, गढ़वाल कैसा है। तो मैं एक बार पहली बार जा चुकी हूँ, मैं और पति देव और सुनिधि आज पहली बार जाएगी मम्मी के वहाँ। तो अपने पहले व्लॉग अगर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा मम्मी कहाँ रहती है, क्या क्या उनका कैसा कैसा है वहाँ पे एरिया। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि चाचा लोग भी आ रहे हैं, तो चाचा लोग पहुँच चुके होंगे वहाँ पे। तो हम लोग शाम को जा रहे हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी थी, सुनने का काम था, तो इसी से। और अब चलते हैं फटाफट से, और भी गर्मी का टाइम था, शाम के टाइम पर हम लोग निकल रहे हैं, 6 बज रहा अभी शाम का। अब चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कोटेश्वर यानी कि गढ़वाल कैसा है, क्या है करके। बहुत वहाँ मंदिर भी जाएंगे, एक दो मंदिर भी जाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे आप लोग को। तो व्लॉग देखिएगा ज़रूर, और जो भी नए हैं अभी व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अभी जो एक दो पहली हाई कर रही है पेट्रोल पंप में, जो हाई लगने वाला वो जो है सिग्नल दिखाता है, तो सिग्नल दिखाता है ऐसे ऐसे करके उसको हाई कर रही। तो भी यहाँ गाड़ी है यहाँ पे नो तो भी यहाँ पेट्रोल पंप में आ रखे हैं तेल भरवाने के लिए, तो ये भराते हैं तब हम निकलते हैं। तो कल अभी तो शाम रात हो जाएगी तो इतना कुछ नहीं दिखेगा, तो कल के व्लॉग में आपको कुछ देखने को मिलेगा। गाड़ी है, शाम का कैसा व्यू है, नाइट व्यू कैसा रहेगा वो आपको दिखाएंगे, तो काफी मजा आने वाला है। शाम का थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है वहाँ पे, हवा हवा लगेगी, हमारी समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो समर वेकेशन सही बात है, चल ही रही है। तो एक दो समय वेकेशन में हम एक पहले हो चुके थे गुच्छू पानी, और दूसरे अब जा रहे हैं हम मम्मी के उधर कोटेश्वर साइड। तो फिर मिलते हैं, चाचा चाची लोग सब मिल चुके होंगे, शुभम से मिल चुके होंगे पहले भी, तो फिर इकट्ठे फैमिली आज पहली बार जा रहे हैं, तो फिर मज़ा आएगा। चलो चलते हैं, यह नंबर लगा हुआ है तेल भराने का जियो। तो यहाँ हम लोग निकल गए, आगे अब यहाँ आने वाला को जाता है लच्छी वाला नेचर पार्क। तो इधर हम लोग जा चुके हैं, सामने देख सकते हो आप, ये काफी अच्छा बना रखा है लोगों ने अंदर। तो कभी आओ तो घूमने को काफी। हाँ, ऊपर लगाओ यहाँ पे ऐसे, ये पुल के नीचे से आगे बैठो, करीब ऊपर लगाओ। हाँ, तो हम लोग निकल चुके थे पहाड़ों की ओर, सुंदर से पहाड़ एकदम हरियाली भरी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो ऐसे पहाड़ थे, मुझे तो वॉमिट हो जाती है इन पहाड़ों में। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच गए हैं आगरा खाल से आगे रेलिश पर, यहाँ पर हम चाय समोसे छोले ये सब खा रहे हैं। और यहाँ ब्लॉगर साहब थोड़ा पस्त हो गए, तो हमने सोचा इन्हें थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। और वैदी वैदी क्या हुआ, क्या हुआ बेबी, छुछू। चलो चलो चलो, अब यहाँ देखना कैसे, बिल्कुल एकदम टॉप ढलान है, यहाँ से नीचे जाते हैं हम। तो ये हैं रैलिस के पीछे के पहाड़, जो कि नीचे खाई थी, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, पीछे गांव का है थोड़ा एरिया। और तो यहाँ हम थोड़ा शाम के टाइम पे स्नैक्स के लिए रुके थे लेने लेने के लिए। तो यहाँ रैलिस के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, पति देव आ गए चाय पीने के लिए, हम तो चाय पीएंगे नहीं। हाँ सही है, और शाम के टाइम थोड़ी थकान हो जाती है ना, क्योंकि ड्यूटी से आए थे, तो ड्यूटी से आने के बाद तुरंत ड्राइव करना, तो थोड़ी थकान हो जाती है, गर्मी के टाइम में तो और थकान लगती है, तो थोड़ी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों के मोड़ पे ना मुझे बहुत जैसा हो रही, दवाई खा के आ गई थी मैं घर से, बस थोड़ी स्टिल अभी ठीक है, बट थोड़ा नींद दवाई का नशा हो रहा है, नींद जैसे आ रही है। जैसे सुनिधि को बोला थोड़ा ब्लॉगिंग तुम भी करना, अब भी बैठे हैं खाने के लिए, मैं कुछ नहीं खा रही, सुनिधि बाहर ही समोसे ऑर्डर के लिए बोला था, बोली समोसे समोसे और चाय खाएँगे अभी ये लोग, मतलब अद्धे खाएंगे मैं सुनिधि, सुनिधि समोसे पसंद करते कोई। मेरी आइसक्रीम खाएगी, मेरी आइसक्रीम, आइसक्रीम फूल हीरोइन, चल आजा आइसक्रीम खाएंगे। मैं दिया जरा जरा वो आ रही है जरा बेटा वैदा। सो गाइस देखिए, ये सब अपने अपने बिजनेस में लग चुके हैं, ये यहाँ प्लेन समोसे खाए जा रहे हैं, ये इधर छोले समोसे खाए जा रहे हैं,
और ये मैडम यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हैं और हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो मतलब सभी लोग बिजी हैं अभी। कैसा लगा फिर आपको? वेरी ओके। सिंपल है। तो हम जैसे रास्ते पे निकल रहे थे, बीच में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। इसी आग की वजह से बहुत गर्मी बढ़ रही है पहाड़ों में, वजह काफ़ी आग लगने में है। तो कुछ गर्मी से तो कुछ लोग खुद ही जला दे रहे थे, तो इस वजह से, क्योंकि पूरा बंजर पड़ा हुआ था जंगल। तो ये है टीरी का एरिया जहाँ पहुँच चुके थे नीचे की तरफ, और ये रास्ता है, यहाँ से लाइटिंग पूरी हो रही है, पूरा टीरी डैम दिखाई दे रहा है उधर से, और काफ़ी अच्छा लगता है नाइट में क्योंकि पूरी लाइटिंग लाइटें देती है, और मॉर्निंग के टाइम दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है ये। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पतली सी रोड थी जो मम्मी के घर के लिए जा रही थी, तो और पास से आप देख सकते हो पूरा डैम है जहाँ जहाँ लाइट चल रही है पूरा। तो ये है डैम जो यहाँ दिख रहा है, ये है मम्मी की कॉलोनी। तो ये क्वार्टर है यहाँ पे, फर्स्ट वाला थ्री मम्मी का है, यहाँ से आगे जाएंगे। आगे यहाँ हम लोग टहलते थे, वैदू मिनट यहाँ टहलते थे, सुनते यहीं पे बच्चों से खेलते थे, और यहाँ सीढ़ियों से ऊपर भी हम लोग जाते थे मिलने लेने के लिए। और नीचे है हॉस्पिटल, सामने ब्लू कलर का है, वो देख सुने थे ब्लू वाला, हाँ ब्लू है हॉस्पिटल है, यहाँ से हम अंदर चलाएंगे घर के लिए। तो वहाँ है मम्मी का क्वार्टर, जहाँ चलो पहुँच चुके, जहाँ चलो की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे। तो ये है कुछ इस रात में पानी लिख पहुँच गए आ गए। तो ये है सामने वाला रूम, खिड़की लगी है, और अभी तक लॉक खुला नहीं था। तो चाची लोग हैं, श्रेया शुभम ये लोग सब पहुंच चुके हैं, हम अंदर इन चाची लोग अंदर बैठे हैं, करने के लिए 200 किलोमीटर दूर आए हैं। हाँ सही बात, बच्चों पार्टी है, अंदर चलते हैं चाची लोग। क्या श्रेया ओ इसको फोन पकड़ लेना, ऐसी ऐसी फोन पकड़ लेना, मैं तो अच्छा सुन। आज की भी हालत खराब हो रही है, फ्लैश नहीं खोल रहे, ये फ्लैश मेरे क्या कर रहे हैं, ये पे काम नहीं है, पूरा पूरा जमीन तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, रात के बज रहे हैं 12:15 और शुभम की व्लॉगिंग हो रही है एंड। तो 200 किलोमीटर अच्छा खासा है, इधर मस्त ठंडी एक्सपेक्टेशन, मैं भी बना लूँ क्या जयपुर से व्लॉगिंग शुरू, बस मेरे पास फोन नहीं है, लाओ एक एक फोन दे दो बस, और कुछ नहीं। एक काम करो ना, 5 के फोन ना इसे स्टैंड पे लगा देना, जैसे ट्राइपॉड टाइप का, 5 के उससे व्लॉग शूट कर देना। घर में 5 लोग हैं जिनका व्लॉग बनता है, सब जयपुर घूम के आगे शुभम की पनिशमेंट, शुभम को बाय बाय बाय, गुड नाइट शुभम, गुड नाइट। शुभम की शुभम कल क्या रहेगा, पुत्र को पनिशमेंट मिल रही क्या मिल रही, शुभम का लाइफ में पहली बार मैं नहीं आऊंगा अगली बार से ट्रिप में, पहले मैं अपने हिसाब से ट्रिप दे, मैं सेट करके आऊंगा कहाँ के जाना है दुनिया में। ओके गाइस, अगर ठंड लगती ही नहीं है तो तुझे क्या ले जा लोगे, ये पता सर्दियों में भी ये ऐसे ही घूम रहा होता है, पता है ये बनियान और इसमें और इसको बोलेंगे ना कुछ ओढ़ ले, हाँ मैं ओढ़ूंगा भी ना तो फिर रात को पता नहीं कहाँ चल जाता, और फिर अगर ये ओढ़ेगा तो सुबह 4 बजे कुछ ओढ़ेगा। दूसरी वैदू भी ऐसी हाल है इसके, वैदु के हाल नहीं है, वो ओढ़ो फेंको, तो हाँ इतनी गर्मी और ओढ़ो सर्दी, मैं तो सर्दी हो गर्मी बिना ओढ़े सो ही नहीं सकती। और गाइस मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूं, आई होप अपना इसका व्लॉग एंजॉय किया होगा, जो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।